वेलकम टू द एसपी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स। कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन सेट करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का 5 टाइप का वैल्यूज होता है। एक होता है पोजीशन का नेम आपको देना पड़ेगा, जो कि है लेफ्ट स्पेस टॉप, लेफ्ट सेंटर, सेंटर बॉटम, राइट सेंटर, हर एक तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो है परसेंटेज, आपको एक्स परसेंट फर्स्ट में देना पड़ेगा जो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई परसेंट देना पड़ेगा जो होता है वर्टिकल। थर्ड प्रोसेस होता है पिक्सल में, एक्स पिक्सल आपको देना पड़ेगा जो हॉरिजॉन्टल में, वाई पिक्सल देना पड़ेगा वर्टिकल में। नंबर फोर में आपको इनिशियल देना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल इंक्लूड करेंगे तब क्या होता है, डिफॉल्ट पोजीशन में चला जाता है, मतलब लेफ्ट टॉप में चला जाता है जब अगर आप इनिशियल देंगे तब। फाइव, इनहेरिट बैकग्राउंड पोजीशन। अगर आप इनहेरिट करेंगे तब क्या होता है, अगर कोई भी पेरेंट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का चाइल्ड एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बॉडी सेक्शन पे मैं एक इमेज लिया था, उसको मैं अगर पोजीशन देना चाहता हूँ लैपटॉप में, तो क्या करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी देने के बाद वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा लेफ्ट हाइफ़न देने के बाद टॉप। उसके बाद आप रन कीजिए, देखिए लेफ्ट साइड पे टॉप पे चला जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी सेक्शन पे मैं कुछ भी मैं नहीं लिखा हूँ, तो बॉडी सेक्शन पे मैं एक इमेज इंसर्ट करूँगा। इसके लिए मैं सीएसएस क्लास में गया हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर जाने के बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज जो आया है यहाँ पे एक बार नहीं रिपीट हो गया है। तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे लैपटॉप में आ गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, जिसका मतलब है इनिशियल। ठीक है, इनिशियल में आपका लैपटॉप में रहेगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड पे टॉप पे यूज़ करूँगा। तो राइट मैं लिखा हूँ स्पेस देने के बाद टॉप, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देने के बाद आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे आ गया है टॉप पे। आप यहाँ पे सेंटर पे लिखिए, सेंटर पे लिखने के बाद सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए मिडिल में आ गया है, मतलब सेंटर में पहले आया है उसके बाद टॉप में। अगर सेंटर के बदले अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे टॉप के जगह सेंटर सेंटर कर देता हूँ, तब देखेंगे आप मिडिल में हो गया है। तो आप कुछ भी आपके हिसाब से दे सकते हैं, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट सेंटर, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो प्रोसेस था वो है परसेंटेज, आपको एक्स परसेंट देना पड़ेगा। एक्स परसेंट मतलब मान लीजिए ये अभी देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको 50% पे लाऊँगा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 50% कर देता हूँ और 0% कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50% पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल में मैं 0 दिया था, जिसके कारण ये वर्टिकल मतलब ये जो वर्टिकल लाइन पे है यहाँ पे नहीं आया, तो इसको भी मैं 50 कर दूंगा। तब देखिए सेंटर सेंटर में जैसे आया था वहाँ पे वैसे ही आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्टिकल को मैं 20 कर देता हूँ। 20 कर देने के बाद आप देख पाएंगे ये इसी पोर्शन पे आ जाएगा, देखिए इसी पोर्शन पे आ गया है, मतलब 50% जो दिया वो है हॉरिजॉन्टल, मतलब इसी हिसाब से। ठीक है, और जो 20% मैं दिया हूँ वो है इसी हिसाब से। इसके जगह मैं 80 कर देता हूँ, देख पाएंगे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे चला गया है। अब देखिए थर्ड जो प्रोसेस था वो है पिक्सल। पिक्सल आपको एक्स में पहले देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ,
उसके बाद 0 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखेंगे ये क्या होगा, इसी पोर्शन पे रहेगा, ठीक है। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देख पाएंगे यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको भी 100 कर देता हूँ। 100 कर देने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जैसे 100 पिक्सल लिया है, सिर्फ इसी जगह से ही 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा, मतलब इसी पोर्शन पे। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख पाएंगे इसी पोर्शन पे आ गया है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू चेक कर करके दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 4 प्रोसेस था वो है इनिशियल, इनिशियल मतलब टॉप कॉर्नर पे चला जाता है लेफ्ट साइड पे, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। और जो इनहेरिट होता है, इनहेरिट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस ट्यूटोरियल को मैं दिखाया था वहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को इनहेरिट के बारे में बताया था, कैसे पेरेंट को यूज़ करना है, कैसे चाइल्ड को यूज़ करना है, उसको यूज़ करके आप लोग इनहेरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।